नमस्कार सज्जनों, हमारी ये चैनल जय गिरिराज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबको सादर प्रणाम। सज्जनों, आज हम श्री गीता जयंती तथा मोक्षदा एकादशी के उत्तम पर्व के दिन श्री सप्तश्लोकी गीता तथा श्री गीता महात्म्य का पाठ करेंगे। सज्जनों, हमारे जीवन में भगवद गीता का खूब महात्म्य है, जरूरी है हमारे लिए। भगवद गीता हमारे लिए सेतु समान है। जैसे छोटी छोटी चींटियां प्रचंड नदी पार करने निकले तो उसके लिए अशक्य है, नदी पार नहीं कर सकती है। लेकिन किसी राजा ने सेतु बनवा दिया हो, पुल बनवा लिया हो, तो उसके आधार से ये सूक्ष्म चींटियां भी सरलता से प्रचंड नदी पार कर जाती। ठीक उसी तरह अगाध संसार रूपी सागर, उसको पार करना हमारे लिए भी अशक्य है, लेकिन उसे पार करने के लिए परमात्मा ने श्री गीता ज्ञान रूपी सेतु हमें प्रदान किया है। या अलौकिक ज्ञान से हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ने एक बार अर्जुन को कहा था कि मेरे और तेरे तो कई जन्म बीत चुके हैं, वह सब मुझे याद है लेकिन तुझे नहीं। इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानने वाले है तथा पूर्ण पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो ज्ञान श्री गीताजी में दिया है वह अवर्णनीय और परम श्रेष्ठ है। दुनिया भर के पुस्तक जमा किए हो घर में, लेकिन उसमें भगवद गीता ही नहीं हो तो सब व्यर्थ है, ऐसा ही समझो। क्योंकि जीवन का जो मर्म यानी सार ग्रहण करना हो, वह श्री गीता जी से ही प्राप्त होके परम पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सज्जनों, आज श्री गीता जयंती तथा मोक्षदा एकादशी के परम अवसर पर सप्तश्लोकी गीता तथा श्री गीता महात्म्य का अर्थ के साथ पाठ करें। अथ सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामन स्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमकार रूप एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके, मेरा स्मरण करके जो मनुष्य इस शरीर को त्याग करता है, प्रयाण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। अर्जुन वाच, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाहा। अर्जुन जी कहते हैं कि आपके कीर्तन से जगत को आनंद मिलता है, योग्य है। आपके कीर्तन से अनिष्ट तत्व दूर चले जाते हैं, योग्य है। जगत आपको वंदन करता है, वो भी योग्य है, क्योंकि आप संपूर्ण हो। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह परब्रह्म ऐसे है कि जिसके हाथ पैर आंख कान मुख मस्तक सब दिशाओं में व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्व साक्षी स्वरूपी है और दूर है ऐसे पास भी है, संपूर्ण व्याप्तमय है। कविम पुराण मनुषासितार मनोरियाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात। भक्ति युक्त हुआ जो पुरुष अंत समय यानी मृत्यु समय पर अचल मन से योग युक्त होकर जो सर्वज्ञ है तथा सर्व कर्म के फल दाता है, जो सूर्य समान तेजस्वी है और अचिन अचिंत्य स्वरूप है, उनका स्मरण करता है, वही पुरुष अंत समय पर दिव्य परमात्मा को प्राप्त करता है। ऊर्ध्वमूलमद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जिसका पर ब्रह्म रूपी मूल ऊपर है, शाखाए नीचे है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष परमात्मा ने बनाया है, उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता है। यह संसार को पूर्ण रूप से जो जानता है वो ही वेदवित्ता है, ज्ञानी है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनञ्च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सबके हृदय में आत्मा स्वरूप विराजमान हूँ, ऐसे परमात्मा बोले, मेरे से ही सबको याद आना, भूल जाना तथा ज्ञान अज्ञान उसकी प्राप्ति हो, तो ये मेरी ही देन है। वेद के रचने वाले, वेद को पढ़ने वाले और वेद को समझने वाले भी मैं हूँ, ऐसा परमात्मा बोले है।
मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो हमेशा मेरे में ही मन रख, मेरा ही भक्त बन के मुझे ही नमस्कार कर। तू मुझे प्रिय है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अंत में तू मुझे ही पाओगे। इति श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद् सुब्रह्म विद्यायाम् योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सप्त श्लोकी गीता संपूर्णम्। श्री गीता महात्मय श्री गणेशाय नमः। दरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं बुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री गीता महात्म्य का वर्णन वराह पुराण में आता है। एक बार पृथ्वी देवी ने अपने स्वामी श्री विष्णु को कहा, हे परमेश्वर, मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म को भुगत रहा है, उसको अनन्य तथा अखंड भक्ति कैसे प्राप्त हो, क्योंकि नशीबवंत हो उसको ही भक्ति प्राप्त होती है। तभी विष्णु भगवान बोले, श्री विष्णु रुवाच प्रारब्धम बुज्यमानो ही गीताभ्यासरत सदा समुक्तस्य सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत् गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च गोपाल बाल कृष्णोऽपि नारद ध्रुव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम् गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपान् संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम् वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थ ज्ञान संयुताः योऽष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञान सिद्धिं सलभते ततो याति परं पदं पाठे समर्थ संपूर्णे ततोर्दं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नान फलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयाग फलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरं अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं या पठते नरः स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौत्रिनेकं ददर्दं वा श्लोकानां यः पठेन्नर चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमम् गीतेत्युच्चार संयुक्तौ म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थं श्रवणासक्तौ महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गीतायाता परं पदम् गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव य पठेत् वृथा पाठो भवित्तस्य श्रम एव हृदारुतः एतन्महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः सत्तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। तभी भगवान विष्णु बोले, प्रारब्ध को भुगतने वाला मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आ सकता हो वो ही यह लोक में मुक्त और सुखी है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। जैसे कमल का पान जल में रह के भी जल से अलिप्त रहता है, ठीक उसी तरह जो श्री गीता का ज्ञान उसका ध्यान करे संसार में रह के भी महापाप वगैरह स्पर्श नहीं करता उसे।
जहाँ श्री गीता का पुस्तक हो और जहाँ उसका पाठ होता है वहाँ सब तीर्थ का वास होता है। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान हो वहाँ सब देवता तथा परमात्मा अपने पार्षदों सहित शीघ्र सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का अभ्यास और श्रवण होता है वहाँ है पृथ्वी, वहाँ सदैव मैं निवास करता हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं श्री गीता का ज्ञान उसका आश्रय लेके तीनों लोक का भी पालन कर रहा हूँ। श्री गीता वर्णनीय पद वाली है, अविनाशी ब्रह्म रूपिणी परम श्रेष्ठ विद्या है, उसमें शंका नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने मुख से कही है, परम श्रेष्ठ परमानंद देने वाली तथा ज्ञान से भरपूर है। जो मनुष्य स्थिर मन से नित्य श्री गीता का संपूर्ण पाठ करता है वह ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त करके परम पद प्राप्त करता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो, आधा पाठ रोज करे, फिर भी गोदान जितना पुण्य प्राप्त करता है। नित्य 6 अध्याय का पाठ करे उसे गंगा स्नान का फल मिले, जो नित्य 3 अध्याय का पाठ करे उसके सोमयाग का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होके नित्य 1 अध्याय का भी पाठ करे वह रुद्र लोक की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य 1 अध्याय का या 1 श्लोक का भी पाठ करे वह उत्तम मनुष्य बन के रहता है। जो मनुष्य श्री गीता के श्लोक का नित्य पाठ करे वह चंद्रलोक प्राप्त करता है। श्री गीता का पाठ करते तथा सुनते सुनते जिसकी मृत्यु हो वह पशु आदि का अधम देह प्राप्त न करके उत्तम मनुष्य देह प्राप्त करता है। वह श्री गीता का पुनः अभ्यास करके मुक्ति को प्राप्त करता है। अंत समय पर अगर श्री गीता ऐसा उच्चार सहित जिसकी मृत्यु हो वह सदगति प्राप्त करता है। चाहे कितना भी पापी हो लेकिन श्री गीता ज्ञान में अगर उसकी आसक्ति हुई वह वैकुंठ गति प्राप्त करता है। अनेक कर्म करके जो मनुष्य श्री गीता का अर्थ का ध्यान करे उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए, अंत में उसे परम पद प्राप्त होता है। गीता के आश्रय से जनक आदि राजाएं भी पाप रहित हो गए और परम पद को प्राप्त किया है। जो श्री गीता पाठ के अंत में महात्म्य का पाठ करता है उसको पाठ का संपूर्ण फल मिलता है। ये महात्म्य सहित श्री गीता का पाठ करता है उसे दुर्लभ गति भी प्राप्त होती है। सुतुवाच महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से नैमिषारण्य वन में कहते हैं यही है श्री गीता का महात्म्य। जो मैंने कहा है उसका पाठ करने से संपूर्ण श्री गीता पाठ का फल मिलता है, ऐसा श्री गीता जी का महात्म्य वराह पुराण में आता है। इति श्री वराह पुराणे श्री गीता महात्म्य संपूर्णम्। मित्रों, हमारी ये चैनल जय गिरिराज को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।